मैंने अपने मैनेजर से कह रखा है, मेरा मैनेजर भी साथ आया हुआ उनकी टीम का आदमी, अब मैं हर फंक्शन पे नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि एक तो एज है, 91 में जा रहा हूं, और मैं सोचता हूं कि अगर इसी तरह से मुझे लोगों का प्यार मिलता रहा तो मैं 100 साल काट के, तो ये बड़ी हिम्मत की है उन्होंने कि मिल्खा सिंह को यहां ले आए। बच्चों, मैं ज्यादा लंबी स्पीच नहीं करूंगा, मगर फिर भी ये मेरा फर्ज बनता है कि मिस्टर एंड मिसेस खोसला का, कर्नल आलूवाली का और आप लोगों का और विपिन जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे यहां पे बुलाया, इतनी बड़ी इज्जत और मान दी। मैं जहां भी जाता हूं बच्चों, मिल्खा सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, मगर मुझे दुख इस बात का है कि रोम ओलंपिक के अंदर मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी रोम ओलंपिक जाने से पहले, 80 में से 77 जी, और ये सारी दुनिया को मालूम था कि अगर 400 मीटर कोई जीतेगा रोम ओलंपिक के अंदर तो मिल्खा सिंह इंडिया का ही जीतेगा और कोई नहीं। मगर बच्चों, रेस में थोड़ी सी गलती हुई, वो गोल्ड मेडल जो था मेरे हाथ से गिर गया। और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पता नहीं भगवान कल बुला ले, और मेरा तो इरादा है जीने का, मगर कुछ भरोसा नहीं हो क्या हो। मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान में से कोई ना कोई ऐसा बच्चा निकलना चाहिए, लड़का हो या लड़की, जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया वो जाके ओलंपिक खेलों में ले। मुझे इस बात की खुशी हो, वो आपने तकलीफें देखी होंगी मिल्खा सिंह, हर फील्ड में जेलसी होती, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी तरफ भी कोई आदमी है, जेलसी वहां पे होती। लोगों ने मिल्खा सिंह की टांगें तोड़ने की कोशिश की। जो लड़के मेरे से पहले इंडिया के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे उनका ये नया लड़का कहां गया? जो लड़के फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे उनको मैंने उस ट्रायल्स के अंदर बीट किया सबको, और मिल्खा सिंह सिलेक्ट हुआ, ओलंपिक गेम्स में गया, और वहां पे आपने देखा होगा, मैं जाता हूँ जहां भी ना, लड़के मेरे से पूछते हैं, वो जी जो आपकी गर्लफ्रेंड थी ना ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ने नहीं माना कि ये मिल्खा सिंह जो उसका बाई चांस वो जीत गया अपने। तो बच्चों, फिर उन्होंने मुझे पाकिस्तान ने इन्विटेशन भेजा, जो फिल्म के अंदर भी दिखाया गया। इन्विटेशन आया कि मिल्खा सिंह 1960 के अंदर लाहौर के अंदर अब्दुल खालिक के साथ दौड़े, तो मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिंदगी में 3 बार रोया, आज भी आपने देखा होगा कि जब भी मेरी फिल्म आती है तो मेरी आंखों में से आंसू अपने आप बाहर निकलते, मैं रोकने की बहुत कोशिश करता हूं मगर नहीं रोक पा। नंबर 1 कि जब तब मैं रोया जब मेरे मां बाप मेरी आंखों के सामने कत्ल किए, पाकिस्तान के अंदर मारे गए। मैंने कहा आपने तो पार्टीशन का नाम सुना है, आप लोगों को मालूम नहीं कि लोगों ने कितनी तकलीफें देखी। तो वो जब समय मुझे याद आया तो मैंने इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू से कह दिया, मुझे उन्होंने अपने दफ्तर में बुलाया, ही वाज प्राइम मिनिस्टर, कि मिल्खा नहीं, खेलें जो हैं ये प्यार बढ़ाती हैं, दोस्ती बढ़ाती हैं, और बात भी सही, ओलंपिक गेम्स क्यों होती हैं, एशियन गेम्स क्यों होती हैं, कि लोग आपस में मिले जुले प्यार बढ़े। तो बच्चों, पहले दिन मैंने न्यूज दे दी कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, वो जब पंडित जी ने पढ़ा बार में तो उन्होंने कहा मिल्खा सिंह को बुलाओ, और बुलाया मुझे, तो मुझे कहते हैं क्यों नहीं जाओ, मैंने कहा जी जो हमारे साथ हुआ है पंडित जी आपको बता नहीं सकते। कहते नहीं,
पड़ोसी देश है, जाना ही जाना, जाना है आपने, क्यों जाना? तो मैं इनकार नहीं कर पाया बच्चों, और मैं चला गया। मुझे अभी तक याद है कि वाघा बॉर्डर के ऊपर एक जीप फूलों से सजी हुई थी, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा और एक तरफ इंडिया का झंडा। हमारी बस गई थी पूरी, बस वाघा बॉर्डर, मेरे साथ और भी 50 आदमी थे जो बस के अंदर थे, सारे खिलाड़ी जिन्होंने पार्टिसिपेट करना था वहां पे। उन्होंने कहा जी मिल्खा सिंह कौन है? बस में से उतारा, वाघा बॉर्डर से मुझे ऐसे क्रॉस किया, वहां जीप खड़ी और जीप के अंदर मुझे खड़ा कर दिया। तो बच्चों तकरीबन कुछ 14-15 किलोमीटर डिस्टेंस है वहां से वाघा बॉर्डर से लेकर लाहौर, तो दोनों तरफ सड़कें भरी हुई थी, लोग खड़े थे वहां पे और झंडे लेके और सारे इंडिया और पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे। तो अब जो इन्होंने सवाल किया था बच्चों ये कि मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की रेस देखने के लिए 60,000 आदमी स्टेडियम के अंदर बैठे लाहौर के, हमारी उन्होंने बड़ी खातिर की। रात को जब मैं होटल के अंदर गया, फ्लैटी होटल में हमें ठहराया उन्होंने, तो वहां पे एक उर्दू का पेपर पड़ा। उर्दू के पेपर के अंदर ये लिखा हुआ था मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर, ये पेपर के अंदर उर्दू के पेपर में लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा। तो जब हम कहने लगे, सारे कहने लगे कि फूड स्ट्रीट पास में है खाना खाने का, तो हमारी टीम पूरी साथ चल पड़ी। तो रास्ते में जो बैनर लगे हुए थे ना, उन पे भी यही लिखा हुआ मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की टक्कर। तो बच्चों जब हम गए वो फूड स्ट्रीट के अंदर खाना खाने के लिए, तो हो सकता है कि उन दुकानदारों को उनको बताया होगा कि मिल्खा सिंह आ रहा है, उनकी टीम आ रही है, ये सब कहते हैं जी आप हमारे पास आइए जी, खाना यही खाना है जी, आप मीट खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, मच्छी खाएंगे, क्या खाएंगे, घी में बनाए या मक्खन में बनाए, फलानी चीज करें। तो उन्होंने बेचारों ने बहुत हमारी सेवा की और किसी भी टीम के आदमी से पैसा नहीं दिया, नहीं जी सब कुछ फ्री है, आप हमारे मेहमान हैं तो हम आपसे। तो बच्चे ये तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज। जब मैं आप इन्होंने जो सवाल किया था उसका जवाब 2 मिनट के अंदर देता हूं, तो 60,000 आदमी वहां पे आया हुआ था मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की रेस को देखने, तो वहां पे भी वही हुआ कि 100 मीटर वो जीत गया, 400 मीटर मैं जीत गया, 200 मीटर का जब कंपटीशन हुआ तो 200 मीटर के अंदर जनरल अयूब बैठे थे वहां पे स्टेडियम के अंदर देख रहे थे। तो जब स्टार्ट हुई रेस तो कमान अब्दुल खालिक, सारा स्टेडियम गूंज उठा, कमान अब्दुल खालिक, कमान अब्दुल खालिक। ऐसे जब रेस गुजरी उसके सामने से, जनरल अयूब के सामने से, तो अभी करीबन कोई 35-30 गज रहते थे रेस का, तो जब उनके सामने से गुजरे तो वो भी उठ के कहता है अब जनरल अयूब कमान अब्दुल खालिक। तो मैंने उसको करना शुरू किया, मेरे में स्टैमिना था, करना शुरू किया। तो बच्चों मैंने उसको 10 गज से मारा, 10 गज से मारा, और आप हैरान होंगे कि मेरे साथ एक और अच्छा रनर था इंडिया का, मक्खन था बेचारा, वो तो चला गया दुनिया छोड़ गया, मगर बेस्ट अथलीट था आफ्टर मिल्खा सिंह, अगर मैं डरता था तो मक्खन सिंह से डरता। तो वो भी आके अब्दुल खालिक को बीट कर गया, सेकंड नंबर पे वो आया, थर्ड पे फिर मुझे कहा गया कि एक स्टेडियम का चक्कर लगाएं मिल्खा सिंह जिन्होंने अब्दुल खालिक को बीट किया है। तो बच्चे मैंने जॉगिंग करना शुरू की, 60,000 आदमी बैठा था उनके सामने, ये पेपर वालों ने लिखा है कि वहां पे 10,000 औरत बुरके वाली बैठी, और जब मैं उनके सामने से गुजरा उन्होंने सबने बुरका उठाया, देखा ये आदमी। बच्चों जब चक्कर लगा के आया तो फिर जनरल अयूब आए, और जब विक्ट्री स्टैंड पे उन्होंने पुकारा मिल्खा सिंह नंबर 1, मक्खन सिंह नंबर 2, अब्दुल खालिक नंबर 3, फिर जनरल को रिक्वेस्ट की गई, जनरल आया मेडल डालने के लिए,
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਖਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮਿਲਖਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ